करके देखें। प्रश्न एक, नीचे दी गई समांतर श्रेणियों के अगले तीन पद ज्ञात कीजिए। पहला 5, 11, 17, 23 और इसी प्रकार आगे। दूसरा -11, -8, -5, -2 और इसी प्रकार आगे। तीसरा 4/9, 7/9, 10/9, 13/9 और इसी प्रकार आगे। चौथा 0, 9, 18, 27 और इसी प्रकार आगे। समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में व्यक्त करना। हमने यहाँ कई समांतर श्रेणियाँ देखी। प्रत्येक में प्रथम पद और एक सर्वांतर है। यदि हम समांतर श्रेणी के पहले पद या प्रथम पद को स्मॉल ए और सर्वांतर को स्मॉल डी से व्यक्त करें तो हम आगे के सभी पद स्मॉल ए और स्मॉल डी के आधार पर बता सकते हैं। समांतर श्रेणी का दूसरा पद पहले पद में सर्वांतर स्मॉल डी जोड़ने पर मिलेगा, यानी दूसरा पद ए प्लस डी होगा। इसी तरह दूसरे पद ए प्लस डी में डी जोड़ने पर तीसरा पद ए प्लस डी प्राप्त होगा। आप समांतर श्रेणी को इस तरह लिख सकते हैं, ए ए धन डी, ए धन डी धन डी, ए धन डी धन डी धन डी और इसी प्रकार आगे, या ए ए धन डी, ए धन टू डी, ए धन थ्री डी और इसी प्रकार आगे। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। पदों की संख्या परिमित होने पर इसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं और पदों की संख्या अपरिमित होने पर यह अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। आप देख सकते हैं कि उदाहरण एक में दी गई समांतर श्रेणी 7, 11, 15, 19 और इसी प्रकार आगे में पदों की संख्या अपरिमित है, इसलिए यह अपरिमित समांतर श्रेणी है। करके देखें। पहला, एक अपरिमित समांतर श्रेणी बनाइए जिसका प्रथम पद 5 और सर्वांतर 3 हो। दूसरा, 5 पदों वाली दो परिमित समांतर श्रेणियां बनाइए। तीसरा, 10 पदों वाली किसी परिमित समांतर श्रेणी की सबसे बड़ी सदस्य संख्या कौन सी होगी यदि a बराबर 11 और d बराबर 6। नोट, सर्वांतर का हमेशा प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है। सर्वांतर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। उदाहरण 2, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10, सर्वांतर d बराबर -3 हो तो श्रेणी के प्रथम तीन पद लिखिए। हल, प्रथम पद a बराबर हमारे पास 10 जो कि दिया है, सर्वांतर d बराबर -3 ये भी हमारे पास दिया है। सबसे पहले हम द्वितीय पद ज्ञात करेंगे। द्वितीय पद के लिए हमारे पास होता है सूत्र a धन d, प्रथम पद और सर्वांतर का योग द्वितीय पद होता है। तो प्रथम पद है हमारे पास 10 और सर्वांतर जो है वो है -3। तो जब हम कोष्ठक खोलेंगे तो 10 -3 = 7। तो इस तरह से हमने द्वितीय पद ज्ञात किया, 7। अब हम ज्ञात करेंगे तृतीय पद। तृतीय पद के लिए हमारे पास सूत्र होता है a धन 2d बराबर a का मान हमारे पास 10 है धन 2, d गुणा में है तो कोष्टक में लिखेंगे, d का मान -3 दिया है। इसे हल करेंगे तो 10 और धन 2 को -3 से गुणा करने पर -6 = 4। अतः श्रेणी
के प्रथम के प्रथम तीन पद पहला पद हमारे पास दिया था 10, उसी तरह से दूसरा पद हमने ज्ञात किया 7 और तृतीय पद हमने ज्ञात किया 4। तो अतः श्रेणी के प्रथम तीन पद 10, 10, 7 और 4 है। तो यह इस उदाहरण का हल है। समांतर श्रेणी के पहले पद या प्रथम पद को A1 से, द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से, इसी प्रकार nवें पद को An से तथा सार्वांतर कॉमन डिफरेंस को D से व्यक्त करें। तो समांतर श्रेणी को A1, A2, A3 और इसी प्रकार An से व्यक्त कर सकते हैं। इस स्थिति में सार्वांतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर इसी प्रकार An माइनस An माइनस 1।